हाँ जी, हो गया। गुड मॉर्निंग मित्रों, कल का जो अपन ने फर्स्ट वीडियो डाला था संविधान निर्माण की प्रक्रिया का, उसका सेकंड पार्ट मैं आपको लेकर के आया हूं। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कल हमने लास्ट में जो छोड़ा था, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में लास्ट में लिखा था कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण लागू हो गया था। इसके बाद कुछ क्वेश्चन विशेष रूप से आपसे पूछे जाते हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रूप से 4-5 क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पुटअप हो रहे हैं कई जगह। एक तो क्वेश्चन आपके जैसे 26 जनवरी, और 26 जनवरी 1950 इस दिन भारतीय संविधान को पूर्ण रूपेण लागू किया गया, इसका मूल कारण यह था 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पंडित नेहरू जी ने घोषणा की थी कि 26 जनवरी 1930 से हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, तो 26 जनवरी को यादगार बनाए रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने 2 महीने का इंतजार किया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण लागू कर दिया गया। यहां पर एक नाम मैंने आपको कल बताया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजदा। प्रेम बिहारी नारायण रायजदा जो थे, इन्होंने मूल भारतीय संविधान को अंग्रेजी में 6 माह के अंदर लिखा था। इसके अंतर्गत बाद में हिंदी का जो संस्करण हुआ था, उस हिंदी संस्करण में वसंत कृष्ण वैद के द्वारा हिंदी संस्करण को लिखा गया, और इसके बाद में इसके चित्रांकन और सजावट की जो बात आती है उसके अंतर्गत 2 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा का संबंध स्कूल ऑफ आर्ट से रहा है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। प्रेम बिहारी नारायण रायजदा, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, ये तीनों एक ही स्कूल के विद्यार्थी थे। ये इलाहाबाद का इंस्टीट्यूट है, इसी के अंतर्गत इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। आप इस चीज को याद रखेंगे, प्रेम बिहारी नारायण रायजदा ने इसको मूल अंग्रेजी में लिखा था। हिंदी जो सुलेखन का कार्य जो हुआ था, संस्करण हिंदी में जो निकला था, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा के द्वारा इसमें चित्रांकन सजावट या कह सकें कलाकृति का कार्य अध्यक्ष का आपसे पूछता है। जैसे एक समिति बनी थी प्रारूप, और प्रारूप समिति की यदि बात करें तो इसे मसौदा समिति भी कहते हैं, इसे पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। इसके बाद आप याद रखना कि इस समिति का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान माना गया है इसके अंतर्गत, और इस समिति में टोटल सदस्य थे 7, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य और थे। इसमें अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में समिति ने कार्य किया। हालांकि प्रारंभ में इसका जो प्रारूप बनाया था वो बनाया था वीएन राव ने, अर्थात अपन कह सकते हैं कि प्रारूप समिति जो थी, इस प्रारूप समिति का प्रारंभ में जो निर्माण किया था
वो व्यक्ति थे बीएन राव। और बीएन राव की अगर बात करें तो इन्होंने संविधान का प्रारूप क्या किया था, तैयार किया था। बाद में एक चीज और ध्यान रखना इसमें, इसके अंतर्गत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मूल रूप से इसमें 13 अनुसूचियां रखी गई थी। 13 अनुसूचियों की यदि बात करें तो इनमें से कई अनुसूचियां अपने संविधान में अभी अपना रखी हैं, मूल रूप से 13 अनुसूचियां थी। इसके अन्य सदस्य आप देख लीजिएगा, सदस्यों में एक तो मैंने आपको बताया था कि इसके अध्यक्ष जो हैं, ये अध्यक्ष के पद पर रहे थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। एक सदस्य थे इसके कृष्ण स्वामी अय्यर, जिसे अपन कहते हैं सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। दूसरे व्यक्ति जो थे इसमें गोपाल स्वामी आयंगर। कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी आयंगर, के एम मुंशी। इसके बाद में एक सदस्य थे मोहम्मद सादुल्ला। एक इसमें सदस्य बनाया गया था बी एल मित्तर। और एक इसके जो सदस्य थे वो थे डीपी खेतान। अब ध्यान रखिएगा, प्रारूप जो समिति थी उसमें 7 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित, अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसमें जो प्रारंभ में इसका प्रारूप जो बनाया था वो थे भीम बी आर राव या बी एन राव बिनेबल नरसिम्हा राव, इन्होंने इसको तैयार किया था। इसमें टोटल अनुसूचियां जो बताई गई थी वो अनुसूचियों की संख्या थी 13। कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी आयंगर, के एम मुंशी। आप याद रखना के एम मुंशी मूल रूप से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, हालांकि इसमें कांग्रेस के सदस्य और भी हैं, लेकिन आप मूल रूप से आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा वो कि प्रारूप जो समिति थी, इस प्रारूप समिति का एकमात्र कांग्रेसी जो सदस्य था वो कौन थे, आपके के एम मुंशी। बाद में आप ध्यान रखना बी एल मित्र की यदि बात करें तो वी एल मित्र ने दे दिया था त्यागपत्र, और वी एल मित्र जी ने जो त्यागपत्र दिया था इनके स्थान पर एक व्यक्ति को इसमें शामिल और किया गया। एक थे आपके डीपी खेतान, और डीपी खेतान की हो जाती है मृत्यु, तो इनके स्थान पर भी एक व्यक्ति को शामिल किया गया। अब आप ये ध्यान रखना कि वी एल मित्र की यदि बात करें तो वी एल मित्र ने जब त्यागपत्र दे दिया तो इनके स्थान पर एन माधवन राव को इसमें शामिल किया गया। डीपी खेतान की जब मृत्यु हो गई थी तो इनके स्थान पर इसमें शामिल किया गया था टीटी कृष्णमाचारी जी को, टीटी कृष्णमाचारी जी। आप ध्यान रखिएगा इस चीज को विशेष रूप से, क्योंकि प्रारूप समिति के बारे में वो पूछ लेता है। इस प्रारूप समिति की यदि बात की जाए तो इस समिति ने 30 अगस्त 1947 से कार्य प्रारंभ किया, और इन्होंने 26 नवंबर सन 1949 तक कार्य किया था। तो आप याद रखना, अगर वो आपसे पूछता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ तो आपको याद रखना होगा 29 अगस्त 1947 को किया, और इन्होंने 29 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक कार्य किया था। तो इसके सदस्यों को आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अध्यक्ष आपको कई बार एग्जाम में पूछा है, रेलवे एसएससी में अधिकांश क्वेश्चन आता रहता है कि प्रारूप जो समिति थी, इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, या मसूदा समिति या पांडुलेखन समिति, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। इसके अन्य सदस्यों में एक थे कृष्ण स्वामी अय्यर, एक थे गोपाल स्वामी आयंगर, एक थे आपके के एम मुंशी। एकमात्र कांग्रेसी थे जो किसके सदस्य हुआ करते थे, प्रारूप समिति के। और एक चीज ध्यान रखना, मोहम्मद सादुल्ला खां, एक बीएल मित्तर साहब थे,
इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था और इनके स्थान पर बाद में किसको शामिल किया गया, माधवन राव को। डीपी खेतान की हो जाती है मृत्यु और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद इसमें टीटी कृष्णमाचारी जी को शामिल किया गया है। अब यहां हमें एक बात ध्यान रखनी है कि पहली जो समिति मैंने आपको बताई है प्रारूप समिति, इसका विशेष रूप से आप अध्यक्ष तो याद रखिएगा क्योंकि अध्यक्ष को ज्यादातर पूछता है। अध्यक्ष इसमें बनाए थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। फिर इसके बाद की कहानी आगे हम बढ़ाते हैं। कई समितियां और थी जिनके आपसे अध्यक्ष पूछेगा। सबसे पहले आप याद रखना संघ संविधान समिति, इसके अंतर्गत एक समिति बनाई गई थी संघ संविधान समिति और एक समिति संघ शक्ति समिति। और संघ शक्ति समिति जो थी इसको संघ विषय भी कह सकते हैं। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, इसके अध्यक्षों की यदि बात करें तो इसके अध्यक्ष के रूप में चुना था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। आप इस चीज को याद रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उनको संघ संविधान समिति संघ शक्ति समिति इन दोनों का अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद में आपको याद रखना है प्रांतीय संविधान समिति। और प्रांतीय संविधान जो समिति थी इसके अध्यक्ष और इसके नेक्स्ट प्रांतीय शक्ति समिति। एक और आप याद रखना अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति। और एक याद रखना मूल अधिकार समिति। ये जो यहां पर ये समितियां बनी हैं आपके चार, मैं एक साथ ही बता रहा हूं आपको, इन चारों समितियों का अध्यक्ष जो बताया गया है वो आपके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो आप याद रखिएगा इस चीज को कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं, प्रांतीय शक्ति समिति के अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष हैं और मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष भी किसको बनाया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। फिर इसके बाद में आप याद रखना प्रक्रिया समिति, नियम समिति, संचालन समिति। इन तीनों का अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। एक बार देख लीजिए आप लोग, संघ संविधान समिति संघ शक्ति समिति, इन दोनों के अध्यक्ष जो बने हैं वो हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय शक्ति समिति और अल्पसंख्यक समिति और मूल अधिकार समिति, इन चारों समितियों के अध्यक्ष बताए हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया समिति, नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में नेक्स्ट जो समिति है, इस समिति को लेकर के कंफ्यूज रहता है आप लोगों को, सबसे मेन समिति भी इसको माना जाता है, झंडा समिति। इस झंडा समिति को लेकर के कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमने इसका अध्यक्ष कई किताबों में जेपी कृपलानी पढ़ा है, कई बुकों में हमने इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पढ़े हैं। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि इसके जो सदस्य अध्यक्ष चुने गए थे वो अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। इसके बाद में आप याद रखना एक जो मैंने आपको बताई थी अल्पसंख्यक, तो इस अल्पसंख्यक समिति की स्थान पर एक समिति और कार्य कर रही थी संयुक्त रूप से और वो थी उप अल्पसंख्यक समिति, जिसके अध्यक्ष बनाए थे एच सी मुखर्जी, जिनका पूरा नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। एच सी मुखर्जी बोल दो या हरेंद्र कुमार मुखर्जी बोल दीजिए, इनको इनका अध्यक्ष चुना गया था।
फिर इसके बाद में उप मूल अधिकार समिति, उपमूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, जीवतराम भगवान दास कृपलानी जी थे, और एक थी उप झंडा समिति, और उप झंडा समिति जो थी इसकी अध्यक्ष बनाई थी हंसा मेहता को। किसको बनाया था? हंसा मेहता। तो आप याद रखिएगा, इसमें एक तो आपके समिति झंडा समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष आपके बताए गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस चीज को याद रखिएगा कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसके अलावा आपको मैंने नीचे लिखा है इसमें उप अल्पसंख्यक समिति एससी मुखर्जी, उप मूल अधिकार समिति जेबी कृपलानी जी, उप झंडा समिति हंसा मेहता की है। और आप याद रखना, इनके आपसे कई बार अध्यक्ष पूछता है, तो इसलिए मैंने आपको इनके अध्यक्षों के बारे में जानकारी दी है। तो एक बार आप वापस से सुन लीजिएगा, मैं इनको वापस से बोल रहा हूं एक बार। प्रारूप समिति का सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, और प्रारूप जो समिति थी, इस प्रारूप समिति के अंतर्गत 7 सदस्य हुआ करते थे 22 जुलाई, और 1947 की यदि बात की जाए तो 22 जुलाई 1947 को जो संविधान सभा थी उन्होंने भारतीय तिरंगा जो झंडा था, इस भारतीय तिरंगे झंडे को स्वीकार कर लिया था। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारतीय तिरंगे झंडे को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो भारतीय तिरंगे झंडे को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 के दिन। आगे आप ध्यान रखना कि भारतीय संविधान के कितने वाचन हुए थे। तो मित्रों, भारतीय संविधान की यदि बात करें तो भारतीय संविधान के 3 वाचन हुए हैं, और भारतीय संविधान के 3 वाचनों को मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान रखना। भारतीय संविधान का जो फर्स्ट वाचन था, पहला वाचन, ये फर्स्ट वाचन इसका जो हुआ था वो हुआ था 4 नवंबर 1948 से, और ये चला था 9 नवंबर 1948 तक। सेकंड जो इसका वाचन हुआ था, ये सेकंड वाचन इसका जो हुआ है, ये आप याद रखिएगा, 15 नवंबर 1948 से, और 15 नवंबर 1948 से चला था 17 अक्टूबर और 1949 तक। थर्ड जो इसका वाचन हुआ है, ये थर्ड वाचन आपको विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी को पूछा जाता है कि संविधान सभा का अंतिम वाचन कब से कब तक हुआ था। तो ये आप याद रखना, 14 नवंबर और 1949 से हुआ, और ये हुआ था आपके 26 नवंबर 1949 तक। और आपको पता होगा 1949, 26 नवंबर 1949 की जो कहानी है ये आपको याद रखनी होगी कि 26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान जो था वो पूर्ण रूपेण बनकर के तैयार हो गया था। इसमें से आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के जो 3 वाचन हुए हैं, उन 3 वाचनों में से सबसे लंबा वाचन कौन सा था। तो आप इसमें, आपको नॉर्मल सा है, ध्यान रखना इस चीज को, इसमें जो लंबा जो वाचन था, ये सबसे लंबा वाचन कौन सा था? सेकंड वाला। और एक चीज, भारतीय संविधान का प्रथम वाचनकर्ता आपको याद रखना है, प्रथम वाचनकर्ता, तो प्रथम वाचनकर्ता जो थे वो थे डॉक्टर राधा कृष्ण। डॉक्टर राधा कृष्ण जी जो थे उनको संविधान का, या आप कह सकते हो कि प्रवक्ता भी कहा जाता है,
और भारतीय संविधान की यदि बात करें तो प्रथम वाचनकर्ता भी किसको कहते हैं, डॉक्टर राधा कृष्ण। तो इस प्रकार से मित्रों आप याद रखना कि संविधान की यदि बात करें तो संविधान के कितने वाचन हुए हैं, तीन वाचन। फर्स्ट वाचन जो चला था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। सेकंड जो वाचन इसका हुआ है वो 15 नवंबर 1948 से, और ये चला था 17 अक्टूबर 1949। इसको हम सबसे लंबा वाचन भी कहते हैं। और जो लास्ट का था वो हुआ था 14 नवंबर 1949 से, और वो चला था आपके 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिएगा कि भीमराव अंबेडकर जो थे, इन भीमराव अंबेडकर की यदि बात करें तो इसमें इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा था। भीमराव अंबेडकर का योगदान जो है वो उसे भी अपन एक बार इसमें देख लेते हैं। भीमराव अंबेडकर, और भीमराव अंबेडकर जो हैं इनका जो संविधान में योगदान है इसे आप सब जानते हैं, क्योंकि इनके द्वारा आपको पता है कि संविधान की जो मूल आधारशिला थी या मूल जो संविधान के शिल्पकार थे वो किनको माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो देखो सबसे पहले आप इनके निर्वाचन की बात ध्यान रखना कि भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहां से चुने गए। तो मित्रों सबसे पहले तो भीमराव अंबेडकर जी ने जो अपना चुनाव लड़ा था वो बॉम्बे से लड़ा था, लेकिन बॉम्बे से जो चुनाव इन्होंने लड़ा उस चुनाव में ये पराजित हो गए थे। याद रखना इस चीज को कि संविधान सभा के लिए इन्होंने पहली बार जो चुनाव लड़ा है वो आप याद रखें कि बॉम्बे से लड़ा, लेकिन बॉम्बे से लड़ने के कारण ये इसमें पराजित हो गए थे। बाद में इन्होंने जो चुनाव लड़ा था वो पश्चिमी बंगाल से लड़ा था, और पश्चिमी बंगाल की एक जगह है जयसूर कुंडला कुलना, जयसूर कुलना, और जयसूर कुलना नामक स्थान से, जयसूर कुलना नामक सीट से जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो ऐसा बताते कि संविधान सभा में जीत गए थे। और संविधान सभा के चुनावों में जीतने के बाद इन्होंने सदस्यता ली, लेकिन जब भारत का विभाजन होता है तो भारत के विभाजन के साथ ही ये जो जयसूर कुलना पश्चिमी बंगाल का जो क्षेत्र था ये पूर्वी पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान में चला गया जिसे आप बांग्लादेश कहते हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी का स्थान जो था वो रिक्त हो गया था। फिर इसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे वी एन रावजी के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा गया था कि संविधान में और या संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है इसमें भीमराव अंबेडकर का योगदान अति आवश्यक है। तो उन दोनों ने सलाह मशवरा करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने तत्कालीन जो मुंबई है उस तत्कालीन मुंबई के प्रधानमंत्री हुआ करते थे बीजी खैर साहब, और बीजी खैर साहब को एक पत्र लिखा था, और बीजी खैर साहब को पत्र लिख करके उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी के योगदान को आवश्यक माना। और इस प्रकार से ऐसा बताते कि बीजी खैर ने बंबई में एक व्यक्ति था जिसका नाम है एम आर जैकर, इस एम आर जैकर के स्थान को खाली करवाया गया, अर्थात एम आर जैकर जी के द्वारा त्याग पत्र दिलवाया गया और इनके स्थान पर फिर आपको चुना गया था यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी को। तो अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमने इसमें दोनों चीजें पढ़ ली, बॉम्बे से भी वो जीते हैं और पश्चिम बंगाल से भी वो जीते हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होता है ऐसे आ जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो संविधान सभा में कहां से सदस्य चुने गए थे, तो मित्रों आप इसको याद रखना कि आपको इसमें ऑप्शन दो देगा
एक तो ऑप्शन दे दिया आपको बॉम्बे, एक ऑप्शन दे दिया जैसे बंगाल, और एक ऑप्शन दे दिया जैसे मद्रास है, और एक कोई सा भी है, एक जैसे दे दिया आपको गुजरात से। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम हमें इन दोनों में आ रही है। तो आपको डायरेक्ट ऐसी स्थिति यदि बनती है तो आप लोगों को इस चीज को ध्यान रखना होगा कि इसका जो सही आंसर है वो आंसर होगा आपके कौन सा, मुंबई, क्योंकि उनका जो पश्चिमी बंगाल वाला निर्वाचन क्षेत्र था वो तो चला गया पंजाब में, वो सॉरी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जाने के बाद जब उनका स्थान रिक्त होता है तो बाद में उन्हें जो सदस्य बनाया गया था वो एम आर जेकर जी के स्थान पर बॉम्बई से चुना गया था। तो डायरेक्ट आप इस चीज को याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं, ये भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान सभा में कहां से चुना गया है, बॉम्बई से। लेकिन मित्रों एक चीज और ध्यान रखिएगा, यदि बॉम्बई ऑप्शन में नहीं है और फिर आपसे वो यही क्वेश्चन कर रहा है तो आपको इसका जो आंसर देना होगा फिर आपको क्या देना होगा, बंगाल। अगर आपको इस तरीके से चार ऑप्शन हैं तो चारों में से पहला चुनना है आपको बॉम्बई, और बॉम्बई यदि नहीं है तो फिर आपको चुनना होगा कौन सा, बंगाल। फिर इसके बाद में भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा की सदस्यता ले ली, और ऐसा बताते हैं साहब कि इनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण रहा था। सबसे पहले आप याद रखना कि भारतीय संविधान का जनक, शिल्पकार हम किसको कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आधुनिक भारत का मनु, और भारत का अगर कभी पूछ लिया जाए लिंकन। ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पुटअप हुआ है कि भारत का लिंकन किसे कहा जाता है, तो भारत का लिंकन भी अपन किसको कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान निर्माण में अपना योगदान दिया तो कई व्यक्तियों ने इसकी आलोचना की, और कई लोगों ने कहा था कि संविधान जो बनाया गया है वो एक उचित प्रक्रिया नहीं है। लेकिन आप याद रखना, भीमराव अंबेडकर जो थे, जब लोगों ने भारतीय संविधान की आलोचना करना प्रारंभ कर दिया तो भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था, संविधान अच्छा हो या बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि लोग अच्छे होंगे तो संविधान में अपने आप में कैसा होगा, अच्छा होगा। और आप याद रखना, इनके एक दो कोटेशन में आपको बता देता हूं कि इन्होंने फर्स्ट तो यही कहा था कि संविधान अच्छा हो या बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि लोग अच्छे होंगे तो संविधान भी अपने आप में क्या होगा, अच्छा होगा। और आपको पता है कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है भारत शासन अधिनियम 1935, और भारत शासन अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का जब मूल स्रोत माना गया तो लोगों ने कहा था कि संविधान बनाने की जरूरत ही नहीं थी, हम हमारे देश के शासन को 1935 के अधिनियम से भी चला सकते थे। तब इन्होंने ये कहा था कि मुझे इस बात से कोई लज्जा नहीं है कि हमने हमारे संविधान की अधिकतर बातें जो हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली है। और आप याद रखिएगा, इन्होंने एक ये भी कहा था, संसदीय, ये SSC 10+2 में कई बार पूछा है, संसदीय शासन प्रणाली से हमारा आशय यह है कि एक व्यक्ति का एक ही वोट होगा। आप याद रखेगा, संसदीय शासन प्रणाली से हमारा आशय यह है कि एक व्यक्ति का एक ही वोट होगा। तो आपको मैंने तीन इनके कोटेशन बताए हैं, एक तो आप याद रखना कि संविधान अच्छा हो या बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि लोग अच्छे होंगे तो संविधान भी अपने आप में कैसा होगा, अच्छा होगा। और इन्होंने ये भी कहा था कि संसदीय जो शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली का मतलब यह है कि एक व्यक्ति का एक ही वोट होगा। और एक इन्होंने उसको लेकर के भी कहा था कि मुझे इस बात से कोई लज्जा नहीं है कि हमने हमारे संविधान की जो अधिकतर बातें हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से अपनाई है। एक आप नाम याद रखिएगा, के वी राव जी ने कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को
संविधान का जनक ही नहीं अपितु जननी कहना चाहिए। आप याद रखना, के बी राव ने कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक ही नहीं अपितु क्या कहना चाहिए, जननी कहना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है, आप याद रखिएगा कि किस व्यक्ति ने भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा था कि भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक ही नहीं अपितु जननी कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए, जननी कहना चाहिए। इसके बाद में देखिए, भीमराव अंबेडकर की यदि बात करें तो इन्होंने कई प्रकार से यहाँ पर अपना योगदान दिया है मित्रों। और भीमराव अंबेडकर जो थे, इनका भारतीय संविधान में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसी कारण भीमराव अंबेडकर के लिए आज भी अपन कहते हैं आधुनिक भारत का मनु है और भारत का लिंकन है, भारतीय संविधान का जनक है। जब इस प्रकार से हमारा संविधान बनकर के तैयार हो जाता है तो फिर ऐसा बताया जाता है कि जो व्यक्ति थे उन व्यक्तियों ने यहाँ पर कई प्रकार से कहा था कि भारत का संविधान आपको पता होगा दुनिया का सबसे बड़ा। भारतीय संविधान की यदि बात करें तो मित्रों याद रखना, भारतीय संविधान जो है ये संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान की यदि बात की जाए तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। एक व्यक्ति का नाम आपको मैं बता रहा हूं। वैसे देखो कोटेशन कई सारे लोगों ने इसके बारे में कहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय संविधान संसार का सबसे बड़ा लिखित एवं निर्मित संविधान है। इस चीज को आप याद रखिएगा। छोटा संविधान और सबसे पुराना जो संविधान है वो आप सब जानते हैं कि अमेरिका का था। इसके बाद में अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि भारतीय संविधान सबसे बड़ा संविधान क्यों है। भाई ऐसा नहीं है कि इसमें अनुच्छेद 395 है या अनुच्छेद ज्यादा है। आप इस चीज को ऐसे याद रखिएगा कि भारतीय संविधान संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों माना गया, क्योंकि भारत की यदि बात करें तो भारत में जो राज्य हैं इन राज्यों का अलग से कहीं कोई क्या नहीं है, संविधान नहीं है। और अलग से कहीं कोई संविधान नहीं होने के कारण भारतीय संविधान को संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। अब याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, भारत का संविधान है। और भारतीय संविधान की यदि बात की जाए तो इसके सबसे बड़े होने का मूल कारण यही है कि भारतीय राज्यों का अलग से कहीं कोई संविधान नहीं है। आगे आप देखिए, फिर इसके बाद में आपको इसमें एक दो चीजें और ध्यान रखनी होंगी, फिर अपन इसके भाग जो है उनको फर्स्ट भाग से लेकर के मैं आपके लास्ट वाइस भाग तक आपको इसका अध्ययन करवाऊंगा। और आप याद रखना, शुरू से ही पॉलिटिकल को लेकर के एंड तक मैं आपको वीडियो अपलोड करता रहूंगा और आप लोग अधिक से अधिक इसको लाइक और शेयर करते रहिए। संविधान की यदि बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की बात की जाए, इसको दो तरीके से समझिएगा आप। एक तो मूल संविधान, और मूल संविधान अगर पूछे तो 1950, और एक हम आज का संविधान जिसकी बात करें तो 2020। आप याद रखना मित्रों, ये समय दिया हुआ है और समय देकर के वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और आपको याद रखना होगा कि किस तरीके से वो हमसे क्वेश्चन कर सकता है, तो देख लीजिए आप लोग। इसमें एक तो आपको याद रखना होगा कि समय है आपके 1950, एक हमें याद रखने होंगे कि इसमें अनुच्छेद कितने हैं, एक हमको याद रखने है इसमें भाग कितने हैं, और एक हमें याद रखना है कि संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं। तो देखो, मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या थी 395। कितनी थी? 395 थी। और आज भी यदि हम भारतीय संविधान की बात करें तो मित्रों, आज भी भारतीय संविधान जो है इसमें अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है।
इस चीज को आप विशेष याद रखिएगा कि आज भी भारतीय जो संविधान है, इस भारतीय संविधान के अंतर्गत आज भी कितने अनुच्छेद बताए हुए हैं, 395। मूल संविधान में भी 395 थे और आज जो वर्तमान संविधान है, इस वर्तमान संविधान में भी कितने हैं, 395 ही हैं। भाग यदि देखे जाए तो मूल संविधान में भागों की संख्या थी कितनी, 22। और मित्रों आज भी भागों की संख्या कितनी है, 22 है। हालांकि कई बुकों में लिखा हुआ है इसमें 25 भाग हैं, कई में 26 है। आप बिल्कुल भ्रमित ना हो, आपको जो ये मैं बता रहा हूं इसको याद रखना आप कि मूल संविधान में भी भाग आपके 22 ही थे और आज भी आपके भाग कितने हैं साहब, 22 हैं। अनुसूची मूल संविधान में कितनी थी, 8 थी, और आज अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है, 12। अब इनको आप याद रखिएगा कि फर्स्ट या फिर कह सके नौवीं जो अनुसूची थी, इस नौवीं अनुसूची की बात यदि की जाए तो इसको पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा किया गया। और मित्रों याद रखना ये फर्स्ट जो संविधान संशोधन हुआ था ये हमारी संविधान के द्वारा ही किया गया था। अब याद रखिएगा कि नौवीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जो जोड़ा है वो पहले संविधान संशोधन किसके द्वारा जोड़ा है, 1951। और पहले नौवीं अनुसूची की मैं, हालांकि अनुसूची आपको अलग से अभी एक नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा दसवीं जो अनुसूची है, इस दसवीं अनुसूची की यदि बात करें तो इसको जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन, और 52वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 1985 में। 11वीं जो अनुसूची जोड़ी गई थी, इस 11वीं अनुसूची की यदि हम बात करें तो इसको जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 में। संशोधन ये जो था 1992 का था, लेकिन ये जो लागू हुआ था वो 1993 में हुआ था। इसके बाद में 12वीं जो अनुसूची जोड़ी गई थी, ये 12वीं अनुसूची आपके जोड़ी गई थी 74वें संशोधन, और वही आपको याद रखना है 1992 में। तो इस प्रकार से आप याद रखना कि मूल संविधान में भी अनुच्छेद जो थे, उन मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या वही 395 थी, और आज भी भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, 395। भाग यदि पूछे जाए तो भाग 22 है, मूल संविधान में भी 22 है और आज भी कितने हैं, 22 ही है। और आप इस चीज को भी याद रखिएगा कि अनुसूची मूल संविधान में कितनी थी, 8, और आज अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है, 12। और मैंने आपको अभी ये बताया है कि किस तरीके से, कि नौवीं जो अनुसूची थी वो नौवीं अनुसूची आप याद रखना कि नौवीं जो अनुसूची है इसको पहले संविधान संशोधन और फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया, और पहली जो अनुसूची थी ये पहली अनुसूची को जोड़ने के लिए, जो पहला संशोधन जो सॉरी पहला जो संशोधन था इसको जोड़ने के लिए या पहले संशोधन को संविधान सभा के द्वारा किया गया। इस चीज को विशेष याद रखना है, एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन था जो संविधान सभा ने किया था। दसवीं अनुसूची के लिए भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 किया गया, 11वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए 73वां संशोधन 1992 किया गया, और 12वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए 74वां संशोधन किया गया था 1992 में। तो इस प्रकार से हमारा संविधान जो था वो बन करके तैयार हो गया। अब मैं आपको यहाँ एक बात और बता देता हूं, लास्ट में समय बचा हुआ अपने पास, कि मूल संविधान की अनुसूचियां जो हैं उन अनुसूचियों के बारे में आप याद रखना कि अनुसूचियों के अंतर्गत क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको भारतीय संविधान की अनुसूचियों की यहाँ पर चर्चा कर रहा हूं, और अनुसूचियां जो हैं इनमें आपको पता है कि अनुसूचियों की संख्या, आज भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं इनकी संख्या कितनी हो चुकी है, 12 हो चुकी है। तो अनुसूची फर्स्ट जो है, इस अनुसूची फर्स्ट की यदि बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि भारत संघ व राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है।
आप इसको ऐसे याद कर लेना, भारत के संघ व राज्यों का प्रावधान जो दे रखा है वो संघ व राज्यों का प्रावधान कौन सी अनुसूची में दे रखा है, अनुसूची फर्स्ट। अनुसूची सेकंड की यदि बात करें तो अनुसूची सेकंड के अंतर्गत आप याद रखने ना कि अनुसूची सेकंड में पद अधिकारी जो हैं उन पद अधिकारियों के वेतन और भत्ते हैं, वेतन भत्ते और वेतन भत्तों का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है, दूसरी में। और अनुसूची थर्ड जो है इसमें पद अधिकारियों की क्या दे रखी है, शपथ दे रखी है। लेकिन आप इसमें एक चीज ध्यान रखने का कि इसमें राष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ और राज्यपाल महोदय जो हैं इन तीनों की शपथों का इसके अंतर्गत प्रावधान नहीं है। आप याद रखना अनुसूची जो थर्ड है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। चौथी जो हमारी अनुसूची है, चौथी अनुसूची में यदि आपसे पूछा जाए तो वैसे देखो चौथी अनुसूची का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसके अंतर्गत जो राज्यसभा है उन राज्यसभा की यदि बात की जाए तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। आप इसको ऐसे याद करिएगा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, राज्यसभा में सीटों का क्या दे रखा है, आवंटन दे रखा है। पांचवी जो अनुसूची होगी, इस पांचवी अनुसूची में विशेषकर आपको याद रखना है, मैं सीधे ही आपको बताता हूं, एससी और एसटी या पिछड़ा वर्ग जो है इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। एससी एसटी पिछड़ा वर्ग जो है इसके लिए विशेष प्रावधान है। अनुसूची छठी जो है इसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा इन राज्यों की यदि बात की जाए तो इन राज्यों के लिए विशेष क्या दे रखा है, प्रावधान, विशेष क्या दे रखा है, प्रावधान। और अनुसूची सात की यदि बात की जाए, एक बार आप यहां देख लीजिएगा फिर मैं नीचे की और ऊपर लिख दूंगा आपको, अनुसूची जो फर्स्ट है, अनुसूची फर्स्ट की यदि बात करें तो इसमें संघ व राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। अनुसूची दो जो है इसमें अधिकारियों के वेतन और भत्ते हैं। अनुसूची थर्ड जो है इसमें अधिकारियों की शपथ है लेकिन इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ जो है इसका प्रावधान नहीं है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी में है, एससी एसटी और पिछड़े वर्ग जो है इनको विशेष प्रावधान पांचवी में है, और असम मेघालय मिजोरम व त्रिपुरा विशेष राज्य का जो दर्जा दे रखा है इसका प्रावधान आपकी अनुसूची कौन सी के अंतर्गत दिया गया है, छठी के अंतर्गत। अब अनुसूची आपके आती है सात, और अनुसूची जो सातवीं है इस सातवीं अनुसूची के अंतर्गत कुछ सूचियां दी गई हैं, जैसे एक तो है संघ सूची, एक है आपके राज्य सूची और एक है आपके समवर्ती सूची। इन सूचियों के अंतर्गत विषय शामिल किए गए हैं। आप इसको ऐसे समझिएगा, सबसे पहले हो गई हमारे कौन सी संघ सूची, फिर हो गई हमारे कौन सी राज्य सूची और फिर हो गई हमारे कौन सी समवर्ती सूची। देखो मित्रों इसमें हमें कुछ चीजें याद रखनी है, 1935, 1950 और 2000 कितना 20, ये आपके समय दिया हुआ है तो इनके अंतर्गत हमें याद रखना है कि कब कब कितने कितने विषय रखे गए थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा और आप याद रखना ये बहुत ही इजी प्रश्न है, केवल आपको डाटा जो है उस डाटा में आप तक पहुंचा रहा हूं, इसको याद रखना। तो सबसे पहले ध्यान रखना 1935 में संघ सूची जो थी इस संघ सूची के विषय आपसे पूछेगा वो, तो 1935 में संघ सूची में विषयों की संख्या थी कितनी 59। 1950 की यदि बात और सॉरी राज्य सूची की यदि बात करें तो राज्य सूची में विषयों की संख्या थी कितनी 54
और संवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी थी? 36। ये बात हम कब कर रहे हैं? 1935 के भारत शासन अधिनियम की। 1950 में संघ सूची, या फिर कह सके कि मूल संविधान में विषयों की संख्या हो जाती है मित्रों कितनी? 97। राज्य सूची जो थी, इस राज्य सूची में जो विषयों की संख्या थी 1950 या अपन कह सके मूल संविधान में, ये कितनी थी? 66। और यहाँ पर जो ये समितियां, यहाँ जो संवर्ती सूची में जो विषय थे वो कितने थे आपके? 47। वर्तमान संविधान में संघ सूची में विषयों की संख्या आप याद रखना 100 है, यहां पर 61 है, और यहां पर आप याद रखना इसमें 52 हो गई है। वो कैसे है? ये आपको पता होगा 42वें संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को उठा करके किसमें डाल दिया गया? संवर्ती सूची में। और आप याद रखना संघ सूची जो होती है इस पर विषय, संघ सूची के जो विषय होते हैं इन विषयों पर कानून निर्माण करने का जो अधिकार होता है वो किसका होता है साहब? आपके संघ या सेंट्रल गवर्नमेंट का। और राज्य सूची के विषयों पर बनाती है राज्य सरकार, लेकिन संवर्ती सूची जो है इसके जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? आपके दोनों सरकारों को, संघ सरकार भी बना सकती है और आपके राज्य सरकार जो है वो भी यहां पर आपके कानून बना सकती है। फिर इसके बाद में आप याद रखिएगा अनुसूची 8, और अनुसूची 8 में क्या थी साहब? भाषाएं थी। क्या थी? भाषाएं। भाषाओं की बात करें तो प्रारंभ में इसमें 14 मूल भाषाएं थी, और आज मित्रों इसमें भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? आज इसमें भाषाओं की संख्या यदि पूछ ली जाए तो कितनी हो गई है? 22। और आप याद रखना, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं कि 22 जो भाषा है, इन 22 भाषाओं में एक भाषा का प्रावधान नहीं है, और वो भाषा कौन सी होगी? आपके अंग्रेजी। और अंग्रेजी भाषा का प्रावधान इसके अंतर्गत नहीं है। तो आज मैं केवल आपको यहीं तक बता रहा हूं, और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा। चलो मैं आपको थोड़ा सा और इसमें बता देता हूं आगे कि 15वीं भाषा इसमें जो जोड़ी गई थी वो 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी भाषा। और सिंधी भाषा की यदि बात करें तो इसको जोड़ने के लिए भारतीय संविधान में किया गया संशोधन, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, क्योंकि नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, वोडो, संथाली, डोगरी, और ज्यादातर अपने क्षेत्रों में जो चलती हैं बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये 4 जो भाषाएं थी, इन 4 भाषाओं की यदि बात करें तो इनको लास्ट में जोड़ा गया है। और इस प्रकार से आज भारतीय संविधान की अनुसूची जो 8 है, इस अनुसूची 8 के अंतर्गत आपके कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही है, और आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके जो आगे की हैं, जो बाद में जोड़ी गई थी, उन सारी अनुसूचियों को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।